देश प्रदेश के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी शनिवार सुबह कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। हमीदिया अस्पताल में जितेंद्र नामदेव पहले शख्स थे जिन्हें कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। जितेंद्र हमीदिया के स्टोर में हेल्पर हैं। इसी के साथ दूसरे कक्ष में सफाई कर्मी संजय यादव को भी कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। हमीदिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में संजय यादव को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। राजधानी के एम्स में पहला टीका डॉक्टर शशांक पुरवार को लगा। वहीं चिरायू अस्पताल में हेल्पर मिथुन अहिरवार को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। संत हिरदाराम नगर में सिविल अस्पताल के अधीक्षक ज्ञानेंद्र अर्गल को लगाई गई पहली कोरोना वैक्सीन। इस अवसर पर वहां मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। शर्मा ने तिलक लगाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर अर्गल को बधाई दी। पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान पहला टीका सुबह डॉक्टर अनिल मारवाह को लगाया गया। डॉक्टर मारवाह ने टीका लगाने के बाद खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी वे सभी एहतियात बरतेंगे, मास्क लगाने के साथ शारीरिक दूरी का पालन भी करेंगे। शहर में 12 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया है। हर केंद्र पर एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। कुल 1200 कर्मचारियों को टीका लगेगा। टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में जबरदस्त उत्साह है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि टीका लगवाने का यह मतलब नहीं कि इसके लगते ही कोरोना से बचाव हो जाएगा। पहला डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा। इसके 14 दिन बाद बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता शरीर में विकसित हो जाएगी। जिस घड़ी का साल भर से इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई। पूरा देश आज गर्व से भरा हुआ है। और मेड इन इंडिया वैक्सीन हमारी संजीवन बूटी के रूप में सामने आई है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आज से लगना प्रारंभ हुई है। मैं आज पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं, और एक नागरिक के नाते भी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। ये उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका कि स्वदेशी वैक्सीन आज भारतवासियों को लगाने का अभियान प्रारंभ हुआ है। हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने दिनों और रात काम किया, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आज जब कोविड को समाप्त करने के लिए ये संजीवन बूटी हमारे पास आई है, मैं कोरोना वायरस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर उनको जिन्होंने तब इलाज किया जब कोरोना के पेशेंट का नाम सुनते ही लोग भागते थे। जिस साथी को टीका लगा उसको रखा जाएगा। अगर कोई परेशानी होती है, क्योंकि एलर्जी जैसी छोटी मोटी समस्याएं, तो उससे निपटने के लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं फिर अपील करना चाहता हूं प्रदेशवासियों को, ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ये एंटीबॉडी पैदा करने में समर्थ है, लेकिन पहला डोज लगने के बाद 28 दिन बाद इसका दूसरा डोज लगेगा। डोज के 14 दिन बाद एंटीबॉडी विकसित होगी। और इसलिए मेरी भी यही अपील है
कि वैक्सीन लग गई तो हम पहलवान हो गए, अब किसी की जरूरत नहीं है मास्क की, ये कोई ना समझे। सारे प्रोटोकॉल का पालन करें, दूसरे डोज का ध्यान रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना जैसी महामारी को समाप्त करने का ये अभियान, वैसे भी हमने भारत में बहुत सफलता के साथ मध्य प्रदेश से जी, क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से यही अपील करूंगा कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए, सभी जनताओं को लगवानी चाहिए। किसी तरह की कोई घबराहट या कुछ तो नहीं? घबराहट कोई दिक्कत नहीं वैक्सीन लगवाने का। इससे पहले किसी तरह का कोई डर था अंदर वैक्सीन लगाने? कोई डर नहीं था। कितनी देर हुई वैक्सीन लगे? अच्छा, जो लोग कह रहे हैं इससे बचे हैं, ना लगवाए, भ्रम फैला रहे हैं, सभी को लगवाना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।